हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करेंगे सैमसंग ग्रुप 1200Y का, जो इसमें फेक चार्जिंग प्रॉब्लम था। मेरे पास बोर्ड को तो मैंने खोल लिया हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो जाए, इसीलिए मैंने इसको खोल खाल के रख दिया। देखिए दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम आता है इसमें, देखिए प्रॉब्लम ये यही आता है कि देखिए किसी किसी में चार्जिंग आईसी जो है ये वाला जो चार्जिंग आईसी है इसको एक बार रिप्लेस करके देखिएगा तो ये चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, फेक चार्जिंग। मैंने इसको 3 बार रिप्लेस किया तब फिर भी नहीं मेरा प्रॉब्लम दूर हुआ। ये जो इस साइड से देख रहे हैं, 3 ब्लैक वाला जो है कंपोनेंट, 1 2 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा शॉर्ट था, इसको मैंने तोड़ दिया, नहीं तो यहाँ पे 3 रहता। मैंने दूसरे मदरबोर्ड में आप लोग को दिखा देता हूँ, मेरे पास सेम सैमसंग ग्रुप 1200Y का है, देख लीजिए आप लोग। ये मदरबोर्ड 1 2 3, 3 कंपोनेंट है ब्लैक वाला, देख लिया आप लोग फ्रेश से। इसको अब हम साइड करते हैं। प्रॉब्लम तो मेरा इस बोर्ड में था कि चार्जिंग स्टॉप नहीं हो रहा था। देखिए ये कंपोनेंट हम मीटर से मल्टीमीटर से चेक किए तो ये मेरा शॉर्ट दिखा रहा था, इसको मैंने हटा दिया। इसको या हम जम्पर कर देंगे, जम्पर कर देंगे तो मेरा चार्जिंग स्टोर होने लगेगा। देखिए किसी किसी में प्रॉब्लम रहता है ऐसी का ऐसी, हटा दीजिएगा तो चार्ज स्टोर हो जाएगा। देखिए ऐसी जब ख़राब रहता है ऐसी चेंज कर दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ से भी आता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से भी चेक कर लीजिएगा आप लोग मीटर से। देखिए पहले चार्जिंग लगा कर आपको इसमें आना चाहिए 4.2 रीडिंग आना चाहिए। चार्जिंग लगा कर आप DC 20 पे सेट कर लीजिए मीटर को। आप लोग यहाँ तक चेक कीजिए, यहाँ कंपोनेंट एक ये ब्लैक वाला यहाँ पे कर लीजिएगा, मीटर का जो ब्लैक वाला रहता है यहाँ पे रख कर और यहाँ पे रख कर DC 20 पर चेक कीजिएगा, रीडिंग आना चाहिए 4.2 का, देख लीजिएगा। यहाँ तक मेरा सही है तो सही है, उसके बाद देख लीजिएगा इधर IC का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके ऊपर IC का प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद मैंने देखी यहाँ से एक जम्पर मारा, ये तो कोई बात नहीं, फिर इस जम्पर को हम हटा देंगे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जो ब्लैक वाला डायोड था इसको मैंने हटा दिया, अब इसको हम जम्पर कर देंगे। जम्पर कर देंगे तो मेरा ये चार्जिंग होने लगेगा। देख लीजिए जम्पर एक वायर लेंगे। देखिए प्रॉब्लम 3-4 तरह से आता है, मैंने इसका सल्यूशन मैंने यूट्यूब पर देखा तो इसका सल्यूशन नहीं था। उसके बाद फिर मैंने मल्टीमीटर से चेक करने के लिए भेजा तो मेरा एक कंपोनेंट शॉर्ट था। बहुत ऐसा वीडियो मैंने, इस तरह का वीडियो मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा दोस्तों। यदि इस तरह का है वीडियो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। इसको हम पहले शॉर्ट कर लेते हैं तब देखेंगे मेरा चार्ज रुक रहा है कि नहीं। रुक जाइए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, इसको हम जम्पर मार दिए हैं, एक जम्पर मारे हैं। देख लीजिए आप लोग, पहले घबराइए नहीं, पहले मल्टीमीटर से चेक कीजिए। देखिए ऐसी भी इसका हम बदल दिए थे। देखिए वीडियो के अंदर तो आप लोग को हम नहीं दिखाइए दोस्तों, पर ये बात सही है, इसको हम फ्रेश कर लेंगे। देख लीजिए आप लोग, इसको हम शॉर्ट किस तरह से किए हैं, आप लोग को फ्रेश दिखा रहे हैं। देख लीजिए मेरा शॉर्ट कर दिए हैं, देख लीजिए शॉर्ट कर दिए हैं। इसको हम चलिए वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अब इसको हम फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का टेक्नोलॉजिक वाला वीडियो मैं देता रहूँगा आप लोग के पास। देख लीजिए दोस्तों, आप हम इसमें हम प्लग इन कर रहे हैं, देखते हैं मेरा सैमसंग गुरु 1200 चार्जिंग उठाता है कि नहीं। एक मिनट आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत ये पिन अंदर दब गया था। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट एक दो कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, चार्ज तो मेरा उठा लिया है, अब देखते हैं खुटी आगे बढ़ता है कि नहीं। ओए देखिए दोस्तों, मेरा अंतिम खुटी प्रोसेस में है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का टेक्नोलॉजिक वाला वीडियो आते रहेगा आप लोग के पास। चलिए दोस्तों, वीडियो इतना देर के लिए काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 7 मिनट कुछ सेकंड का बन चुका है। अब हम इस वीडियो में अलविदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।